ITEL S23 Plus, प्रीमियम फीचर्स लेकिन बजट कैटेगरी के अंदर, एमोलेड कर्व डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, पावरफुल 50 मेगापिक्सल कैमरा, अट्रैक्टिव प्रीमियम डिजाइन, NFC और बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप दोस्तम, आज वीडियो में ITEL S23 Plus स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और ढेर गिवअवेज लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे सामने ये ITEL S23 Plus का बॉक्स है, जिसके ऊपर हमें इसकी काफी बड़ी शाइनी बोल्ड ब्रांडिंग की गई है। नीचे हमें कर्व एमोलेड मेंशन किया गया है। तो फटाफट से बॉक्स ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट हार्ड केस, टाइप ए टू टाइप सी केबल, उसके बाद एक छोटे से बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एस्टिमेशन पिन और ईयरफोन। लेकिन दुख की बात है कि स्मार्टफोन के अंदर हमें 3.5mm जैक देखने नहीं मिलता है। बॉक्स को रखते साइड में बात करते हैं मेरे स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन के ऊपर हमें इसे कुछ हाइलाइटिंग डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। तो फटाफट से प्लास्टिक रैप को रिमूव करते हैं। स्मार्टफोन देखने में काफी प्रीमियम अट्रैक्टिव लगता है। पीछे हमें साइनी ग्लास स्टाइल बैग देखने को मिल जाता है और ऊपर की साइड हमें आईफोन से सिमिलर से कैमराज मिल जाते हैं, लेकिन साइज में थोड़े बड़े हैं। और स्मार्टफोन के राइट साइड में हमें पावर ऑन बटन, वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती है। ऊपर की साइड में हमें डिजाइन बाय ITEL लिखा गया है और नीचे हमें सिम ट्रे, प्राइमरी फोन होल, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात की है, इसके अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, सेंट्रल पंच होल स्टाइल डिस्प्ले के साथ। इसके अंदर हमें डायनेमिक बार मिल जाता है आईफोन स्टाइल के अंदर। इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 13 के साथ ITEL OS 13 का सपोर्ट मिल जाता है। यूनिसॉक टाइगर T616 12 नैनोमीटर बेस्ड 4G ऑक्टाकोर प्रोसेसर, ये एक एंट्री लेवल 4G प्रोसेसर है। इसके अंदर हम डे टू डे के सभी टास्क कर सकते हैं, छोटे मोटे गेम्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन मल्टीटास्किंग और हैवी टास्क के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 266,000 के आसपास रिसेंट बेंचमार्क स्कोर इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। और स्मार्टफोन की कैमराज की बात की तो रियर में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, उसके साथ हमें 0.8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है केवल नंबर बढ़ाने के लिए, और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप उस कैमरा सैंपल देख सकते हैं जो इस स्मार्टफोन से लिए गए हैं। स्मार्टफोन के अंदर हमें मेन कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लो लाइट के अंदर भी डिसेंट शॉट्स ले लेता है और कैमरा क्वालिटी अच्छी है इसके प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। 50 मेगापिक्सल के हिसाब से डिसेंट फोटोज मिल जाते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा भी काफी पावरफुल है। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मल्टीमीडिया और म्यूजिक को अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो ये है ASRock क्रिस्टल T8 TWS, जो 6 अट्रैक्टिव कलर्स के अंदर अवेलेबल है और इसके साथ हमें ढेरों एसेसरीज मिल जाती हैं जो सिमिलर कलर्स के अंदर आ जाती हैं। ये TWS देखने में काफी प्रीमियम अट्रैक्टिव लगता है। इसके अंदर हमें ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल डिजाइन देखने को मिल जाता है, डिजिटल बैटरी इंडिकेटर और ब्रीदिंग लाइट के साथ। ये TWS अट्रैक्टिव और आई कैची होने के साथ साथ फीचर भी भर भर के मिल जाते हैं। जैसे इसके अंदर हमें मिल जाता है 30 घंटे का लंबा बैटरी बैकअप, 10+6mm के डुअल ड्राइवर जिसकी मदद से हमें काफी पंची बेस मिल जाते हैं और वोकल भी काफी क्लियर मिल जाते हैं, टच कंट्रोल, डुअल माइक, ENC नॉइज कैंसिलेशन, IPX4 की रेटिंग और बहुत कुछ। फ्रेंड्स, आपको TWS का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। स्मार्टफोन के अंदर हमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो काफी फास्टली और एफिशिएंटली वर्क करता है, उसके साथ 5000mAh की बैटरी जो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात की, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 6 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, उसकी प्राइसिंग 14,000 रुपए के आसपास होने वाली है। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के ओवरऑल कंक्लूजन की बात की, इस प्राइस कैटेगरी अंदर ये काफी प्रीमियम अट्रैक्टिव स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अंदर हमें एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है बजट कैटेगरी अंदर, डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर जो हमें मेन इसका प्रोसेसर मिलता है वो काफी कमजोर मिल जाता है। अगर आपको केवल छोटे मोटे टास्क यूज करना है, मल्टीमीडिया यूज करना है, तो आप इस स्मार्टफोन पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़े हैवी टास्क करने हैं, गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो मैं आपको ये स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी अंदर आपको बहुत सारे पावरफुल 5G स्मार्टफोन भी मिल जाएंगे। तो बुझे में दोस्तों कि आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर आप कोई सवाल से कमेंट करें। धन्यवाद।